सो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे देसी शेफ का आलू समोसा, फ्रोजन समोसा है ये। तो सो हम आज ट्राई करके देखते हैं ये कैसा बनता और टेस्ट इसका कैसा है। सो ऑयल हमने गाइस गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसको हम समोसे को फ्राई करेंगे। सो गाइस, अभी हम समोसे को फ्राई करने लगे हैं। सो गाइस, जैसे कि समोसे अभी फ्राई हो रहे हैं, मुझे तो ये अच्छी चीज़ लगी। जैसे कि कई बार हम कहीं पे गए होते हैं, हस्बैंड और बच्चे होते हैं घर पे, वो इसको इजीली फ्राई करके खा सकते हैं। या फिर जैसे कि बाहर की चीज़ रोज़ रोज़ बाज़ार से लाना बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, तो ये इसका मुझे रेट प्राइस भी जेन्युइन लगा। और इसका टेस्ट अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। सो गाइस, समोसे हो गए हैं रेडी। अब हम साथ में डालेंगे केचप। रोज़ को लगी है भूख, तो रोज़ कह रही है मुझे समोसा खाना है, तो समोसा रोज़ का फेवरेट है। तो सो अभी हम ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट खा है के इसका। देखो आपको कैसा लग रहा है। यमी है, अच्छा लगा आपको। तो गाइस आप देख सकते हो इसकी स्टफिंग भी इतनी अच्छी है, अंदर से आलू मटर सब कुछ है। और ये रोज को तो खाने में टेस्टी लगा। सो अभी मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा है। सच में बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अगर किसी ने नहीं ट्राई किया तो आप एक बार जरूर ट्राई करना सो इसको। गाइस, जैसे ना बाजार का समोसा होता है ना, मुझे इतना पसंद नहीं आते, सच में बोल रही हूँ। बट मैंने अभी ये खाया ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, सच में टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगा। सो मेरी तरफ से 10 out of 10 है इसके समोसे का रिव्यू। तो आप लोग भी एक बार ट्राई गाइस करो। मुझे तो समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा लगा, आपको भी मेरे अच्छा लगा, को मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो बच्चों को ये बहुत पसंद आ रहा है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसका। सो आपको भी अच्छा लगा था, ठीक है।